जीवन का परम लक्ष्य पाने के लिए बड़ी संख्या में नित्य प्रति राम कथा मंदाकिनी के घाट में आकर बैठने वाले महानुभाव बड़े बुजुर्ग लोग बंधुजन व्यासपीठ की परंपरा से आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको भी मैं प्रणाम करूं। इस परम पुनीत महान यज्ञ में जिन्होंने अपने तन और मन की आहुति दिया है, तन मन धन तीनों चीजें, और क्योंकि ये भैया भौतिक युग है और इस भौतिक युग में बिना धन के धर्म भी नहीं होता। हाँ, तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस कथा में बढ़ चढ़ के अपने जीवन में बहुत सी चीजों को रोक करके 9 दिन से सारे काम धंधे बिजनेस सब एक तरफ, राम कथा एक तरफ, और इस यज्ञ में विशाल भोज यज्ञ भी, कथा यज्ञ भी, एक कुंभ लगा दिया। मेरे यजमान इस राम कथा के यजमान स्वरूप आदरणीय श्री विद्युत कुमार जैन साहब, आपका पूरा परिवार, हाँ देखिए कथा तो कहना मेरा काम है। मेरे ठाकुर ने, मेरे सदगुरु भगवान ने राम कथा से मुझे विश्व को जोड़ने की प्रेरणा दी है, तो ये राम कथा कहीं समाप्त नहीं होती। हाँ, समय की सीमा है। आज हम लोग कुछ देर संवाद के बाद इसे विश्राम देंगे, तो 2 दिन के बाद कहीं इसे प्रारंभिका देंगे। लेकिन एक मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहूं, हर जगह है ये व्यासपीठ, देश विदेश हर जगह जाकर राम कथा गाती है, लेकिन व्यासपीठ से कहूं, विद्युत कुमार जैन साहब, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हाँ, और क्या बोलते हैं, आई लव यू। अरे सेम टू यू तो बोलो, पर ध्यान रहे, आपके शुद्ध आचरणों से, आपके इस कुंभ को जोड़ने से महमूदाबाद की इस पावन भूमि में समस्त लोगों के हृदय में परस्पर प्रीत बढ़ाने का जो आपने कार्य किया है, उस आचरण को देख करके मेरी व्यासपीठ आपके जीवन की मंगल कामना करती है। अगली बार जब कथा होना, डेट तो निश्चित है, लेकिन हम लोग इससे और ज्यादा बढ़ चढ़ के इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के युवा वर्ग मैं देखता था, क्योंकि आयोजन तो एक व्यक्ति करता है लेकिन संभालना तो सबको पड़ता है। मैं अपने युवान भाई बहनों को देखता था, बच्चों को देखता था, बड़ी मेहनत करते थे आपको प्रसाद भोजन इत्यादि कराने में, संभालने में, तो व्यासपीठ मेरी
सभी युवाओं के लिए भी मंगल कामना देती है। और मैं प्रार्थना करूं, कथा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन समय की सीमा है। और एक बात कहूं, कुछ समाप्त होने, कुछ नया प्रारंभ करने के लिए कुछ का समाप्त होना भी बहुत जरूरी है। जब तक कुछ समाप्त नहीं होगा तो नया चालू कैसे होगा। तो आज अगर हमारा कथा का समय यहाँ समाप्त हो तो हमारे जीवन में कुछ नया प्रारंभ हो। हाँ, थोड़ी बहुत जो कमियां हो ना, उन्हें आज हम कथा रूपी यज्ञ हवन कुंड में डाल करके जाएं, कुछ संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं। आप जितने हैं मेरी मैया लोग, मेरी बहनें, भारत देश की पवित्र पुष्प वाटिका में फलने वाले प्रिय छोटे छोटे बालक, मेरे भाई बहन, संसार में कमल की तरह जीना। क्योंकि मैं प्रार्थना करूं, गधा मजूरी करते जीवन मत व्यतीत करना गलत, क्योंकि गधा बड़ी गलत फहमी में जीता है। हाँ, मुझे बड़ा सानिध्य मिला आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज का। एक बार मैं उनके समीप बैठा था, उन्होंने मुझे बोला, बेटे संसार के लोग बड़ी गलत फहमी में जीते हैं। बोले, गधा धोबी का गधा होता है ना, उसके ऊपर कपड़े लादता है धोबी और नदी किनारे लेके जाता है। गधा मन में सोचता है कि अब मैं नदी किनारे जाऊंगा, कपड़े मेरे पीठ से उतार कर रखेंगे और मैं फ्री हो जाऊंगा, आनंद से बैठूंगा। लेकिन जैसे ही वो नदी किनारे जाता है और कपड़े निकाल के उसके सिर से, उसके शरीर से एक तरफ धोबी रखता है कि धोबी की पत्नी उसके पीठ में फिर बर्तन लाद देती है। तो यही गलत फहमी में जीता हुआ वो सारा जीवन व्यतीत करता है। मेरे भाई बहन, मानव जीवन जब तक है तो हमें फुर्सत नहीं मिलनी है, लेकिन कभी ऐसा अवसर आए ना धर्म करने का, कभी कोई दान करने का, कभी हरि कथा आयोजन कराने का, तो दोनों हाथ से खूब लुटा करके ऐसे यज्ञों में साथ दो। और जब आप, क्योंकि साधु कहते हैं कि कभी भी धर्म करने से, यज्ञ करने से दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर। कभी भी धर्म करने से धन का अभाव नहीं होता, उसका तो दस, लोग तो कहते हैं 10 गुना, लेकिन मैं तो कहूँ उदारता से जो ऐसे धार्मिक यज्ञ में अपने धन को खर्च करता है तो 10 गुना नहीं, 100 गुना इसका परिणाम परमात्मा देता है, 100 गुना। हाँ, मैं व्यासपीठ से सभी के जीवन की मंगल कामना करूँ।